फिलहाल हम जहाँ रुके थे भाई, मेरे को अच्छा लगा होटल, लोकेशन अच्छी थी और सबसे मेन चीज़ था व्यू भी अच्छा था। लोकेशन और व्यू दोनों अच्छा था, कॉस्टली भी नहीं था, ठीक था, अकेले के लिए बहुत बढ़िया था और सर्विस वगैरह भी अच्छी थी। और सबसे मेन था कि बंदा जो ओनर था वो खुद एक ट्रैकर है, तो उसी ने मुझे गाइड किया था, जो मैंने एक सरप्राइज इफेक्ट दिया है इस विजिट में। एक जो ट्रैक था वो ट्रैक के बारे में उसने मेरे को बताया था, तो दैट इज़ द सरप्राइज। और होटल का नाम है होटल नारकंडा हिल्स, तो ये जस्ट अपोजिट टू सर्किट हाउस है, तो अच्छा है। बाकी नारकंडा बहुत अच्छा लगा, सीरियसली मज़ा आया, खूब घूमा जितना घूम सकता था दो दिन के अंदर। दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, लोकल मार्केट ठीक थी, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। तो भाई अब अपना ये खाना रेडी हो गया, भूख लग रही थी तो मैंने सोचा रुक के कुछ खा लिया जाए। यार देखो सिंपल सी बात है, बाहर का अभी मैंने रोक रखा है, क्यों फालतू में पैसे खर्च करें और क्यों फालतू में बाहर का ही खाना खाएं। जब बाहर का ही खाना है तो ऑनलाइन ऑर्डर करके ये टाइप के आइटम्स मंगवा लो। ये हल्दीराम का बना बनाया मिक्सचर्स होते हैं, मेरे को तो बढ़िया लगे यार। रोटी बनाने का ऑप्शन ख़त्म, ना कुछ मेहनत करनी है खास, एक टाइम की मील तैयार हो जाती है। ड्रिंक में भैया ये है। तो फिलहाल 3 बज रहे हैं, यहाँ रुका हूँ, शायद मुझे लुधियाना जाना पड़े, कुछ काम है। तो ये देखिए बढ़िया बन गया, गर्मा गर्म कढ़ी चावल, तो मस्त पकौड़ी है, सब बढ़िया है यार, क्वांटिटी भी सफिशिएंट है। और वैसे भी ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती नहीं है, ज़्यादा खाओगे भाई ओवर ईटिंग करोगे तो नींद आने लगेगी। अभी तक की जर्नी ओवरऑल बहुत अच्छी रही, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा, सडन प्रोग्राम विदाउट एनी प्री प्लानिंग, और वो उसके बाद भी ठीक ठाक होटल मिल गया, अच्छा स्टे हो गया, घूमने का घूमना हो गया, ट्रैकिंग हो गई, खुद की भी ट्रैकिंग हो गई, गाड़ी की भी ट्रैकिंग हो गई, अच्छा व्यू था और खाना हम लोग अच्छा खा ही रहे हैं, खुद का बनाया हुआ या कंपनी ने बना के दिया है, हमने गर्म किया, मगर मज़ा आता है यार ऐसे एक्सपीरियंस करना, ना चीज़ों को अच्छा लगता है। कुछ इस तरह का है रूम, दिस इज़ द होटल रूम।
तो भाई अब फाइनली 2 दिन का स्टे मेरा लुधियाना का पूरा हो गया। जो मेरा काम था वो मैंने निपटा लिया, ख़त्म कर लिया मेरा जो काम था। अब मैं वापस नोएडा जा रहा हूँ। ये मेरे लेफ्ट में ना एक कैनाल है, उसको कैसे यूटिलाइज किया है उस जगह को, वो देखिए सोलर पैनल लगा रखे हैं बड़े अच्छे तरीके से। मतलब पंजाब से ये चीज़ मतलब देख करके ना बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इंडिया में भी इस तरीके की चीज़ों को यूटिलाइज कैसे किया जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या जगह का जो किया है वो ये देखिए कितना अच्छे से यूज़ करा हुआ है इस पूरे कैनाल को एक तरीके से। और मतलब नीचे का भी पूरा मेंटेन है, ऐसा नहीं है कि नीचे सब कुछ बंद हो गया, अच्छे से आपका हाइट ले करके तब ये करा गया है। और पूरे कैनाल पे कम से कम भी नहीं 0.5 किलोमीटर के आसपास का है, 500 मीटर के आसपास होगा, बहुत काफ़ी पैनल्स लगे हुए हैं। तो अभी जैसे आपने देखा कि सोलर पैनल लगा रखे हैं उन्होंने, तो यहाँ की गवर्नमेंट नहीं करा होगा ये, तो शायद से कोई लोकल का तो कोई कर नहीं सकता, ये पब्लिक का तो गवर्नमेंट का होगा। तो लुधियाना के रास्ते पे, लुधियाना से चंडीगढ़ वाला जो रास्ता है उस पे है ये। तो इसमें पूरे कैनाल के ऊपर इन्होंने सोलर पैनल को इंस्टॉल कर रखा है, अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर की लेंथ तक होगा ये। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था ये, रोड को भी कैनाल को यूज़ कर लिया है इन्होंने, कोई अननेसेसरी लैंड ऑक्यूपाई नहीं करी है और आपका सोलर भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं कि जो आपका बेटरमेंट के लिए होता है, आपकी लाइट बन रही है एक तरफ, नीचे से पानी जा रहा है, कोई अलग से आपका कोई इन्वेस्टमेंट तो आपकी लगनी ही है, बट एक लैंड आपने ऑक्यूपाई नहीं करी है उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो भाई अब अंबाला के अंदर एंटर कर रहा था मैं, और मुझे याद आया कि एक मेरा कॉलेज का पुराना फ्रेंड था, उससे मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। तो हम जरा मन्नू भाई साहब से मिलने जा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया उनसे मिले हुए। तो जब यार इतने करीब आ गए और अकेले हो, कोई टेंशन नहीं कि भाई फैमिली को आप साथ हो या क्या है, और ऑफिस का अब तो हमारे को भाई कोई वैसे भी इतना टेंशन है ही नहीं वो चीज़ का, जॉब का तो भाई खाली है अपना। तो सोचा मनु जी से भी दर्शन कर लिया जाए। तो अब हम अंबाला से होते हुए यमुनानगर जा रहे हैं, तो हमारा रास्ता चेंज हो गया है। तो ये ट्रैवल थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, कभी शिमला से वापस आना था, फिर लुधियाना बीच में आ गया, लुधियाना से अब फिर हमारा चेंज होकर के हम यमुनानगर जा रहे हैं। तो अभी मेरा 1 पॉइंट डाउन हुआ है, और टोटल कार का जो मैंने लास्ट डीजल डलवाया था वो 295 किलोमीटर उसके बाद चल चुकी है, अभी केवल 1 पॉइंट दिखा रहा है। अब आप देख लीजिए कि कुछ लोगों को बड़ा एवरेज पे बड़ा इशू होता है, तो अब आप टोटल, और जो टोटल मेरी अभी तक की इस ड्राइव की जर्नी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है 992 किलोमीटर की हो चुकी है, जिसमें मेरा अभी तक का 9,000 रुपये के आसपास का डीजल लगा हुआ है, और उसमें अभी चल रही है गाड़ी, और अभी आप ये इतना उसमें भी बची हुई है। तो अब आप सोच लीजिए कि मैं कितना एवरेज लूँगा इस कार से। अब हम आ गए यमुनानगर, और ये है इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ का, मेरे फ्रेंड का बिजनेस है तो वो मुझे गाइड कर रहा है कि कहाँ से जाना है, वो बाहर लेने आ गया था मुझे टर्न पे। तो भाई साहब हम लेके जा रहे हैं, ये हैं भाई साहब ब्लैक, ये सामने जा रहा है, ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है। अब मेरा दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ है। तो भाई जैसे कि मैंने कहा था, डिस्कस किया था कि अब हमारे साथ हमारे फ्रेंड हैं मनु गर्ग, तो हम लोगों के साथ ये हैं, वेलकम है इनका हमारे चैनल पर। और मैं मिलने आया था यमुनानगर इनसे, तो अब यहीं से हम लोग निकल रहे हैं, जैसे बताया था कि या तो धनौल्टी और अदरवाइज मसूरी। तो अभी हमारा प्लान बन रहा है, अब देखते हैं रास्ते में कि कहाँ जाएंगे, निकलना तो रास्ता तो वही है, बीच में से कटना है, या तो धारा की साइड से कट जाएंगे या फिर मसूरी की साइड से कट जाएंगे। तो अब हम लोगों का नाइट स्टे फ्रेंड्स गेट टुगेदर होगी। तो मन्नू जी, आर यू इंटरेस्टेड इन दैट गेट टुगेदर?
मनु जी बोल नहीं रहे, शर्म आ रही है मनु जी को लगा लड़कियों की तरह। भाई मैं तो ये बता रहा कि हम 7 साल बाद बहुत टाइम बाद जो कि हम नाइट आउट करेंगे एक दूसरे के साथ, बिल्कुल। और हम फर्स्ट टाइम रूम पार्टनर हुआ करते थे। फर्स्ट टाइम हमने नाइट आउट जब की थी तब ये भी शादीशुदा नहीं था, मैं भी शादीशुदा नहीं था, वी वर ऑल अनमैरिड। नहीं नहीं अनमैरिड थे भाई। नहीं जो हमारा एक नाइट आउट घूमने के लिए जो गए थे वो हम जब मेरी मेरी मैरिज हो गई थी और तेरी नहीं हुई थी, मेरी नहीं हुई थी, तो तब हम लोग गए थे और वो भी हम यहीं गए थे धनौल्टी गए थे, तो भी हम धनौल्टी गए थे। और आज हम दोबारा जा रहे हैं तो भी या तो हम धनौल्टी ही जाएंगे या मसूरी, दोनों में से एक जगह जाएंगे। तो अब स्टार्ट हुई हमारी जर्नी, तो अब जस्ट हम यमुनानगर को छोड़ेंगे, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 4 घंटे का रास्ता है, 4 घंटे में हम लोग। रोड अच्छा है, रोड भी ठीक ही है, 155 किलोमीटर दिखा रहा है, तो ठीक है यार अपना निकलते हैं। हो गई ग्रीन लाइट, चौराहे पे खड़े थे, चलो जी बाकी की जर्नी बीच बीच में कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बॉस ये सामने 402 की ऑल्टो जा रही है वाइट कलर की, भाई ने अभी ना हाथ बाहर निकाल करके मोबाइल उल्टा करके मेरी तरफ दिखाना स्टार्ट किया। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है, भाई ने मेरे चैनल को लाइक कर रखा था तो मेरी वीडियोस उसमें आ रही थी, तो वो शो कर रहा था कि देखो हमने आपका चैनल लाइक कर दिया। मतलब ये होता है ये क्रेज ना जो इस कार का, वो यहाँ से दिखता है। तो भाई अब हमारा खाने का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो जी चाय तो आ गई और चाय है, आलू मटर है, आलू है और आलू मशरूम है। आपको दिखाते हैं ये मटर मशरूम आलू पूरी चाय ये हमारा सेटअप, ये कुछ लोकेशन है, ये भाई साहब अपना हमारा जस्ट देहरादून के लिए चढ़ने के लिए वहीं पे स्टार्टिंग में ही लगा दिया हमने ये अपना कैंप और वहीं अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब बाकी बाद में बात करते हैं, खा लें फिर बात करेंगे। तो जी खाना वाना खा करके निकल गए, अब धनौल्टी के लिए हम लोग निकले हैं। धनौल्टी का ही डिसाइड हुआ, मसूरी का नहीं, और होटल बुक नहीं करा है, कोई ना कोई होम स्टे या कोई भी रिसोर्ट या कुछ भी ऐसे देख लेंगे यार। और खाना वाना भी हो ही चुका हमारा, थोड़ा सा खाना अभी भी बचा हुआ है हमारे पास, मैगी वैगी तो है ही, तो अपना रात का काम हो जाएगा। और अभी अप्रॉक्सीमेटली 2.25 घंटा लगेगा पहुंचने में जो दिखा रहा है मैप, और फिर वापस वहां सर्च भी करना होगा एक आधा, तो मतलब 9 बजे तक 9:15 तक हम पहुंच जाएंगे। तो रात ना बातें करेंगे, 7 साल का गैप है साथ में बैठने का, और दुख दर्द हमने साझे करने, तो वो सब अपने दुख दर्द गम शिकवे गिले वो सारे खत्म करने हैं। और फिर कल सुबह अपना 8-9 बजे तक अपना चेकआउट करेंगे। तो ये अभी तक का प्रोग्राम है।